सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर वन कर रहे थे। चैप्टर वन का नेम नोइंग अवर नंबर्स था और इसके एक्सरसाइज 1.1 हम कवर कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का भी हम क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन टू कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो देखो उस क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 348,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। एक इलेक्शन हुआ, क्लियर। इलेक्शन आप सब जानते होंगे कि क्या होते हैं इलेक्शन, जिससे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं। तो इलेक्शन हुआ तो जीतने वाले, देखो एक जीतता है और एक हारता है। इलेक्शन जब भी होता है एक कोई ना कोई जीतेगा और दूसरा कैंडिडेट हार जाएगा। तो जीतने वाले कैंडिडेट को, जो जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको मिले 577,500 वोट्स, और जो हारने वाला कैंडिडेट था उसको मिले 348,700 वोट्स। तो हमें बताना ही है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने ज्यादा वोट से जीत गया, जीतने वाला कैंडिडेट को कितने एक्स्ट्रा वोट मिल गए ताकि वो जीत पाया, है ना, कितने एक्स्ट्रा वोट से वो जीत गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ेगा। देखो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सॉल्यूशन, है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, है ना, नंबर ऑफ वोट्स सक्सेसफुल। देखो ये आपको स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। ओके, तो ये मैं पूरा लिखता हूँ, SUCCESFUL, सक्सेसफुल कैंडिडेट, CANDIDATE, कैंडिडेट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मैं नीचे लिख देता हूँ, ये मैं यही लिख देता हूँ, REGISTERED। ओके, तो उसको कितने वोट्स मिले सक्सेसफुल कैंडिडेट को, 577,500, है ना, 500 ये मैंने लिख दिया। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ वोट्स नियरेस्ट राइवल रजिस्टर्ड। नियरेस्ट राइवल मीन्स होता है उससे जस्ट पास में जिसको वोट मिले थे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, देखो नंबर ऑफ वोट्स, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपके लिए, क्लियर। नंबर ऑफ वोट्स नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, SECU लिख दिया मैंने, इसको मैं चेंज करता हूँ, SECURED, क्लियर। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, इसके नीचे ही लिखूंगा। तो इसके थे 348,700, 348,000 और कितना था 700, है ना, तो ये लिख दिया हमने 700। अब इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे ना, जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। तो मार्जिन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मार्जिन, या फिर मार्जिन ही लिख दो, या फिर लिख दो मार्जिन बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन। तो मार्जिन ही मैं लिख देता हूँ, क्लियर, ताकि हमारा थोड़ा स्टेटमेंट छोटा हो जाए। तो जब हम माइनस करेंगे इन दोनों नंबर को, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस करना रहेगा। तो जीरो में से तो जीरो गया तो जीरो आ गया, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइव में से तो सेवन माइनस होगा नहीं ना हमारा, यहाँ पे देखो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, साइड में मैं कर रहा हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस माइनस ही कर रहा हूँ, है ना। तो जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइव में से सेवन हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइव में से सेवन तो माइनस होगा नहीं, इसलिए फाइव को काट के मैं क्या कर दूंगा, फिफ्टीन कर दूंगा, और फिफ्टीन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फिफ्टीन में ये हो जाएगा हमारा सिक्स। ये तो आपको बनता होगा ना, माइनस करते कैरी हमने सेवन से ली, फिफ्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा एट, क्या आ जाएगा एट, क्लियर। इसके बाद सिक्स में से तो एट माइनस होगा नहीं मेरा, सिक्स में से अगेन हमारा एट माइनस होगा नहीं, इसलिए सिक्स को काट के फिर से मैं क्या कर दूंगा, 16 कर दूंगा, और इस वजह से 7 बन जाएगा हमारा 6, क्लियर।
अब 16 में से तो 8 हमारा हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब ये 6 में से हम 4 माइनस करेंगे, क्लियर, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2। फिर हमने कॉमा लगा दिया, ये कॉमा हमने फालतू में लगा दिए लेकिन ठीक है, अब चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। तो ये जो है ना, ये हमारी जो वैल्यू आई है, यही हमारा क्या आंसर, यही है हमारा आंसर। मीन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट इतने नंबर ऑफ वोट से क्या हुआ, जीत गया। तो इसको मैं उठा करके वापस से यहाँ पे फिट कर देता हूँ, क्लियर। तो देखो पूरा आ गया ना हमारा, बस मैंने माइनस करने के लिए क्या किया था, उधर पे लेकर के गया था। तो मार्जिन हमारा कितना आ गया, 2,28,800 है ना, और यही था हमारा क्या आंसर, क्लियर। तो दिस इज आवर आंसर, तो मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ। तो बच्चों ऐसे आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है और फिर उन दोनों को माइनस कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768,000 अब देखना ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक कीर्ति बुक स्टोर था, कीर्ति बुक स्टोर मीन जहां पे हमें बुक्स लेने हम जाते ना वहां पे। तो उसने क्या किया कि फर्स्ट वीक जो जून का था, हमारे एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं ना, तो यहाँ पे पहले हफ्ते में या फिर फर्स्ट वीक में मंथ के, तो उसने कितने रुपए की बुक बेच दी, फर्स्ट वीक ऑफ जून में उसने कितने रुपए की बुक बेच दी, 2,85,891 की बुक। इसी तरह से उसने सेकेंड वीक जो जून का आया तो उसने इतने रुपए की क्या कर दी, बुक सोल्ड कर दी। अब हमसे ये पूछ रहे हैं How much was the sale for the 2 week together? तो हमें बताना है दोनों के दोनों वीक में मिल करके उसने कितने रुपए की बुक सोल्ड कर दी, दोनों वीक को मिला करके उसने टोटल कितने रुपए की बुक बेच दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी तक क्वेश्चन सिर्फ इतना हुआ है ना, अभी इतना सब कुछ बचा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि टोटल कितने रुपए की बुक सोल्ड की उन्होंने 2 week में मिल करके। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन SOLUTION, क्लियर। तो सबसे पहले बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, ओके फर्स्ट वीक, तो इसमें कितने रुपए की बुक सोल्ड कर दी थी उसने, 2,85,891, इतने रुपए की बुक उसने फर्स्ट वीक में सोल्ड कर दी। इसी तरीके से सेकंड में लिखूंगा बुक्स सोल्ड ऑन सेकंड वीक, दूसरे हफ्ते में उसने उसने कितने रुपए की बुक सोल्ड कर दी, 4,768 रुपीज की, क्लियर। तो अब हमें क्या कर देना, इनको प्लस, तो हमारा क्या पता आ जाएगा, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 week टुगेदर, टोटल सेल आ जाएगा, है ना। तो इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सेल। तो ये हम लिख दिया टोटल सेल, अब इनको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस करो, 1+8 हो गया 9, 9+6 हो जाएगा हमारा 15, तो 1 इधर 5 इधर, 8+1 हो जाएगा 9, 9+7 हो जाएगा हमारा 16, तो फिर से मैंने लिख दिया 5+1 हो गया हमारा 6, 8 का 8, 2+4 हो गया 6। कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठोगे तभी ये आप खुद को करना है ना, उसके बाद आपको बस आंसर चेक करना है यहाँ से। प्लस तो हम सब पे बनता है, तो प्लस तो आप कर सकते हो ना कॉपी पेंसिल लेकर के। तो ये तो हुआ हमारा भी फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, मीन्स दोनों वीक में टोटल इतने रुपए की बुक सोल्ड हुई। अब देखो इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों वीक में से ज्यादा बुक किस वीक में सोल्ड हुई है। तो अगर सेकेंड वीक को आप देखो तो इसमें 4,768,000 की बुक सोल्ड हुई है ना, इसका मतलब सेकेंड वीक में बुक ज्यादा सोल्ड हुई है, है ना। तो बुक सोल्ड मोर इन सेकेंड वीक, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बुक्स सोल्ड मोर इन सेकेंड वीक, क्लियर। तो ये हमने लिख दिया
सेकेंड वीक में ज्यादा बुक सोल्ड हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखो एंड बाय हाउ मच, अगर हम और देखें, देखो लिखा है एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच का मतलब है कि कितनी ज्यादा सोल्ड हुई बुक, सॉरी कितने ज्यादा रुपए की बुक सोल्ड हुई सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से। तो जब भी हमें ऐसा बताना हो कि हाउ मच, कितनी ज्यादा बुक सोल्ड हुई है सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में, तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको माइनस कर देना है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स सोल्ड इन, सॉरी सेकेंड वीक का ज्यादा है ना, तो हम सेकेंड का पहले लिखेंगे सेकेंड वीक, फिर लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, क्योंकि फर्स्ट वीक में कम हुई है, क्योंकि अपन ज्यादा में से ही तो कम माइनस कर सकते हैं ना, तो ज्यादा तो सेकेंड वीक में हुई है इसलिए हम ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे। तो क्यों, और क्योंकि हमें माइनस करना है, तो 400768 ये लिख दिया, और फर्स्ट वीक में हुई है 285891 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इधर पे हमें इनको बस माइनस करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देखो मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितनी ज्यादा बुक्स सोल्ड हुई है। तो अब बस इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, 6 में से तो 9 माइनस होगा नहीं इसलिए 6 को काट के हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, और ये 16 की वजह से 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 6, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, क्लियर, और 6 में से तो 8 माइनस होगा नहीं इसलिए 6 को काट के हम क्या कर देंगे, 16 कर देंगे, और ये 16 होगा तो ये हमारा बन जाएगा 9, उस वजह से ये भी 9 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3, क्लियर, 0 0 बन जाएंगे हमारे 9 9, क्लियर। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई है, इतने ज्यादा रुपए की हमारी बुक सोल्ड हुई थी सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपेरिजन में, क्लियर। तो बस हमें इतना ही बताना था। इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, पहली बात तो दोनों वीक की टोटल सेल बतानी थी, सेकेंड क्वेश्चन में बोला था कि किस वीक में ज्यादा सेल हुई है तो हमें वो बताना था, और थर्ड क्वेश्चन में बताना था कि जिस भी वीक में ज्यादा सेल हुई है तो वो कितनी ज्यादा हुई है दूसरे इस वीक के कंपेरिजन में, तो उसमें हमें माइनस, तो पहले प्लस करना था और फिर दोनों को माइनस कर देना था। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन भी कम्प्लीट। तो एक्सरसाइज 1.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।